हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यू डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल है वो आया है बेसिकली प्रसाद स्कीम को लेके। तो क्या है प्रसाद स्कीम, वो हम जानते हैं। देखो, प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म वो है प्रिलिमिनरी रिनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। बेसिकली प्रसाद स्कीम, देखो ये लॉन्च की गई थी 2014-15 के टाइम पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मतलब टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा स्कीम है वो लाई गई थी। क्या इस स्कीम का मोटो था वो हम देखते हैं। इस स्कीम का मेन मोटो ये था कि जो भी हमारे देश में स्पिरिचुअल हेरिटेज स्थल हैं, आप ये बोल सकते हो कि धार्मिक स्थल हैं, उन स्थलों के ऊपर बेसिकली उनको प्रमोट किया जाएगा, वहाँ की आर्ट है उसको प्रमोट किया जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, ये मान लो कि गंगोत्री एग्जाम्पल ले लो कि गंगोत्री है, वहाँ पे देखो बेसिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना, जैसे कि टॉयलेट वगैरह है वो क्रिएट करना, इसके साथ ही वहाँ पे जो लोकल दुकानें होती हैं मेले वगैरह की, उन दुकानों को अरेंज करना, अच्छे से मार्केट लगे बड़ा, ताकि फॉरेन के लोग भी वहाँ पे जा सकें तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं उनकी ज़्यादा बिक्री हो, इसके साथ ही वहाँ के जो एक तरीके से क्यूजन है जो अच्छा खाना बनाते हैं उनके बारे में मतलब वहाँ पे अवेयरनेस हो, इसके साथ ही जैसे कि वो होटल वगैरह हो, रेस्टोरेंट वगैरह हो, ताकि प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उन सबको डेवलप करने के लिए प्रसाद स्कीम वो लाई गई थी। इसका मेन मोटो यही था कि हमारे देश के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट साइट हैं, उनके अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। कहाँ पे? रिलीजियस डेस्टिनेशन में। इसमें हिंदू भी आते हैं, तीर्थ हिंदू क्रिश्चन सिख ईसाई सारे जो हैं बेसिकली उनको काउंट किया गया, जो टॉप टॉप अच्छी अच्छी जगह हैं उनको। अभी कंटेक्स्ट क्या है? अभी कंटेक्स्ट यह है कि यूनियन गवर्नमेंट है उसने अभी गंगोत्री, यमुनोत्री और इसके साथ ही अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे परसनाथ, इनको इंक्लूड करने की बात है वो कही है। तो अभी हम एक तरीके से बोलें तो प्रसाद स्कीम की जो टोटल साइट है वो हो गई हैं 41, मतलब प्रसाद स्कीम के अंदर 41 साइट्स को डेवलप वो किया जा रहा है, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ पे रिलीजियस डेस्टिनेशन के तौर पर लोग हैं वो आ सकेंगे फॉरेन से, और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, वहाँ के लोकल आर्ट्स उसको भी प्रमोट है वो किया जाएगा। अब एक फैक्ट ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको फंड है वो करती है, मतलब सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, सारा फंड वो सेंट्रल सेक्टर के द्वारा जाता है। इसके साथ ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम CSR के नाम पे जानते हैं वो, और इसके साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसकी हेल्प से भी प्रसाद स्कीम को इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है वर्ल्ड बैंक के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि देखो कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि अभी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस जो पार्टी 24वीं कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी बेसिकली केटोवाइस जो कि पोलैंड में है, और उसके तहत आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काफ़ी सारी बातें हैं वो की गई थी, और उसी के तहत अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक है उसने $200 बिलियन का फंड है वो तैयार किया है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। मतलब 2021 से 25 के बीच में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है उनसे फाइट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने $200 बिलियन की सहायता है वो प्रोवाइड करने की बात है वो कही है, मतलब $200 बिलियन पैसे इन्वेस्ट वो किए जाएंगे। इसमें ये ध्यान रखनी है कि $100 बिलियन है वो तो वर्ल्ड बैंक खुद दे रहा है अभी रिसेंटली, इसके साथ ही जो बचे हुए $100 बिलियन है वो बेसिकली जो प्राइवेट कैपिटल है जैसे कि वर्ल्ड बैंक के जो और ग्रुप वगैरह हैं वहाँ से पैसा लिया जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट ध्यान रखना कि थर्ड पार्टी की हेल्प से ली जाएगी $100 बिलियन और $100 बिलियन वर्ल्ड बैंक खुद प्रोवाइड कराने वाला है। फायदा क्या होगा? फायदा इसका ये होगा कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें काफ़ी सहूलियत है वो मिलेगी। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 1944 के अंदर आपको बताया कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत बेसिकली 5 इंस्टीट्यूट बनाए गए थे और उन 5 इंस्टीट्यूट में एक था वर्ल्ड बैंक। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए है कि 1944 में जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें और 4 कौन से इंस्टीट्यूट वो बने थे, और वो चारों इंस्टीट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बेसिकली है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नाम से पता चल रहा है कि वर्ल्ड बैंक है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में काम है वो कर रहा है। ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि एक कंट्रीज को लोन देता है ताकि वो जो भी प्रोजेक्ट वगैरह चलाना है वो चला सकें, जैसे कि भी क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा देगा कंट्रीज को तो वो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए नई रिसर्च करेंगी, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा कर सकती हैं, या फिर नया कोई प्रोजेक्ट हो जैसे कि नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए पैसे पहले जो पैसा था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा था, बाद में कि उन्होंने विड्रॉल कर लिया था, तो इस तरीके से बेसिकली पैसा वो दिया जाता है। हम बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में तो देखो वर्ल्ड बैंक का जो ऑफिशियल गोल है आप बोल सकते हो कि जो उसका मेन गोल है वो है पॉवर्टी, डेवलपमेंट तो बाद में, पहला इसका मेन मोटो ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से गरीबी को दूर किया जा सके, और इसके लिए बेसिकली ये डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है ताकि अगर डेवलपमेंट होगा तो गरीबी अपने आप दूर है वो हो जाएगी।
तो यह ध्यान रखना कि वर्ल्ड बैंक का जो ऑफिशियल गोल है वो है रिड्यूशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी को कम करना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन यूएसए के डीसी में है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक है वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम का एक पार्ट है, बट लेकिन और लेकिन एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो ये है कि इसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बेसिकली यूएन से लिंक नहीं है, ये बेसिकली अपने आप अलग से काम है वो करता है। इसके साथ ही देखो तो वर्ल्ड बैंक है ना वो बेसिकली दो इंस्टीट्यूट को मिला के बना हुआ है। कौन से हैं वो दो इंस्टीट्यूट, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक का नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आईबीआरडी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी आईडीए। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक को तैयार किया गया था। तो ये एक फैक्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट या बोलते हो कि यूनियन गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा या बोलते हो कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है वो लगाने जा रही है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। कहाँ पे ये बेसिकली बनाने की बात हो की जा रही है, यूपी के सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में। तो यूपी के अंदर सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर बेसिकली एक डैम है जिसका नाम है रिहान डैम। इस रिहान डैम के ऊपर बेसिकली 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो तैयार किया जाएगा। अब होता कैसा है फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो देखते हैं। इस तरीके का देखो सोलर प्लांट होता है, मतलब पानी होता है उसके वो जो सोलर पैनल होते हैं वो तैरते रहते हैं, तो ये बेसिकली इस तरीके से तैयार है वो किया जाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा फैक्ट हम देख लेते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या होता है सोलर, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट होते हैं इनके, देखो आपको पता है कि अगर इनको जमीन के ऊपर लगाया जाएगा सोलर प्लांट को तो वो काफ़ी सारी जगह कवर कर लेते हैं, और आपको पता है कि वैसे ज़मीन की काफ़ी मारामारी रहती है, इसलिए लैंड अवेलेबिलिटी का काफ़ी बड़ा इश्यू रहता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं कि भाई जो डैम वगैरह है या फिर लेक वगैरह है वहाँ पे पानी के ऊपर ही सोलर पैनल को रख दिया जाए, ताकि वो पानी में डूबेंगे नहीं और आराम से अच्छी सोलर एनर्जी उनको मिल भी जाएगी, और वो एक तरीके से किसी चीज़ से आप बोल सकते हो कि उनको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। वो इसीलिए बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया ताकि लैंड अवेलेबिलिटी का इश्यू है तो क्यों न हम सोलर पैनल को फ्लोट कराते हैं, तैराते रहें झील वगैरह पे या वाटर बॉडीज़ पे। और इसीलिए इंडिया में इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से अंजाम है वो दिया गया है। इसके साथ ही हम बात करें कि इंडिया का जो अभी तक रिसेंटली का जो लार्जेस्ट सोलर प्लांट है आज की डेट तक वो 2 मेगावाट का है। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। देखो जो अभी यूपी के अंदर बात की जा रही है सोनभद्रा में, बेसिकली सोनभद्रा में, ये तो अभी बनाने की बात की जा रही है, बना नहीं है, बट अभी तक जो इंडिया में तैयार किया हुआ सोलर प्लांट है फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो 2 मेगावाट का है। तो ये हमें ध्यान में रखना कि इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है अभी तक का वो है 2 मेगावाट का, और अभी प्रस्ताव है वो रखा गया है 50 मेगावाट का। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO। देखो WIPO के द्वारा भी रिपोर्ट एक पब्लिश की गई जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2018 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट में इंडिया की काफ़ी तारीफ की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई इंडिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए काफ़ी सारा सपोर्ट है अपना दिया है। कैसे सपोर्ट दिया है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो इंडिया ने कुछ ऐसे काम किए हैं, जैसे आपको बताऊं कि इंडिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत जो अपने पेटेंट वगैरह रजिस्ट्रेशन करवाने थे उनका दायरा बढ़ा है। इंडिया के पेटेंट हम बात करें पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया ने इस बार पिछले साल की तुलना में 50% ज़्यादा पेटेंट है वो फाइल किए हैं और उनको रजिस्टर्ड भी किया गया है WIPO के द्वारा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंडिया में इनोवेशन अच्छा हो रहा है, और इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छी बात है कि इंडिया इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम है वो कर रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रमोट भी कर रहा है। अब हम WIPO के बारे में फैक्ट जाने, तो ये है कि WIPO है वो एक UN की स्पेशल एजेंसी है। देखो UN के पास टोटल 15 स्पेशल एजेंसी हैं और उनमें से एक है WIPO। इसका काम क्या है? WIPO का बेसिकली काम ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंतर्गत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिनको बौद्धिक क्षमता अधिकार हम बोलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। उनके लिए कोई भी कॉपीराइट्स वगैरह, उनको लेके कोई भी ट्रेडमार्क का इश्यू हो तो उन सब के लिए काम है वो WIPO के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। इसको बेसिकली 1967 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो ये कुछ फैक्ट हमको इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ये थे बेसिकली आज के हमारे आर्टिकल जिन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, आज कुछ ज़्यादा न्यूज इम्पोर्टेंट थी नहीं। सबसे पहले हमने प्रसाद स्कीम के बारे में जाना, जो कि टूरिज्म मिनिस्टर की एक स्कीम है जिसमें क्या होता है कि जो रीजनल एक तरीके से डेस्टिनेशन होते हैं धार्मिक, उनको डेवलप है वो किया जाता है। इसके साथ ही हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में जाना कि वर्ल्ड बैंक है वो जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फंड है वो प्रोवाइड करा है $200 बिलियन का। इसके साथ ही हमने जाना कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत वर्ल्ड बैंक है उसको तैयार किया गया था।
इसके साथ हमने फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में जाना, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, वो अभी यूपी के अंदर प्रस्तावित किया गया है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ हमने यहाँ पे WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, और अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में वो भी हमने डिस्कस किया। ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।